हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल। आज हम बना रहे हैं मावे की गुंजिया। उसके लिए हम बना रहे हैं यहाँ पर दूध का मावा। यहाँ पे मैंने 2 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। इसे हम पकाते रहेंगे चलाते हुए जब तक कि गाढ़ा ना हो जाए। इस प्रोसेस को करने में कम से कम पूरा 1 घंटा लग जाएगा और फिर हमारा मावा बनकर हो जाएगा तैयार। देखिए दोस्तों, ये खरबूजे के बीज हैं। जो खरबूजे आते हैं गर्मियों में, उनके हमने बीज निकाल के सुखा लिए थे। अब इनको छीलकर इनमें से गिरी निकालेंगे। चिमटी की मदद से इन्हें छीलेंगे। देखिए मैंने ये छील लिए हैं बीज। अब इनको हम साफ करेंगे। देखिए इस तरह से छिलके अलग करेंगे और बीज बीज इकट्ठे कर लेंगे ऐसे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने मैदा छान ली है। ये 1 किलो मैदा है। देखिए हमारा मावा तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे, उसे ठंडा करेंगे। 1 किलो मैदा में 1 गिलास रिफाइंड ऑयल डालेंगे। कम से कम 250 ग्राम तो होगा ये रिफाइंड। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें इस तरह से लड्डू बन जाना चाहिए, मुट्ठी बंद हो जानी चाहिए। इसका मतलब इसमें मोयन बिल्कुल ठीक है। रिफाइंड ऑयल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, उसका टाइट डो लगा लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं और ये गोला मैंने बारीक बारीक कट कर लिया। इन्हें सबको मिक्सी में पीसेंगे और काजू, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स लेना चाहें वो ले सकते हैं यहाँ पर। बादाम, काजू, जो भी आप लेना चाहें सब ले लीजिए और इस मिक्सी में पीस लीजिए बारीक बारीक। हाथ से भी काट सकते हैं आप। ऊपर से दिखाते उछाल दे, उछाल दे तू सारा। देखिए दोस्तों, हमने मावे में सब बादाम, किशमिश और ये गोला भी ऐड कर रहे हैं इसमें। ये थोड़ी सी छोटी इलायची के बीज निकाल के वो भी मिक्सी में पीस लेंगे। बादाम और इलायची के बीज एक साथ पीस ले रहे हैं। देखिए हमारे बादाम पीस चुके हैं। आप यहाँ पर अपनी पसंद से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जो भी आपको डालने हैं। ओहो, इलायची के कैसे खुशबू आ रहे हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें बूरा भी ऐड कर दिया, अपने टेस्ट के अनुसार बूरा डाल लीजिए आप यहाँ पर, कम या ज़्यादा जैसी भी आपको खानी हो। देखिए दोस्तों, मैं ये खरबूजे की गिरी भून रोस्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने डाला है इसमें 2 चम्मच देसी घी। गर्म हो चुका है, हम इसमें डाल देंगे खरबूजे गिरी। अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से ढक देंगे। यहाँ पे हमने गैस भी बंद कर दिया। देखिए कैसे चटक रही है ये। हमारी गिरी भुन चुकी है, अब हम इन्हें भी उसमें मिक्स करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा आटा सेट हो गया है मैदा। अब हम इसमें से छोटी छोटी लोई लेके गोल गोल सर्कल करेंगे इसका
और फिर से चकले बेलन की मदद से बेलेंगे। देखिए दोस्तों मैंने ये बेल लिया है, इस साइज का बेल बेल के रख लेंगे और फिर बनाएंगे इनसे गुंजिया। एक चम्मच ये भरेंगे, 1 से 1.5 चम्मच। पानी लगाएंगे चारों तरफ। और गुंजिया को दोनों हाथों से पकड़ कर इसे दबा देंगे अच्छे से। और जो फालतू की ये मैदा है इसको हटा देंगे यहाँ से। इसी तरह से सारी गुंजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। और फिर एक कपड़ा लेंगे, इनके ऊपर ढकते चले जाएंगे जिससे कि ये सूखे ना। देखिए दोस्तों सारी गुंजिया बनकर तैयार है। अब हम इन्हें ले चलते हैं कढ़ाई के पास, अब इन्हें फ्राई करेंगे। कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। देखिए दोस्तों हमारा तेल गर्म हो चुका है रिफाइंड ऑयल। अब हम उस पर एक एक करके छोड़ेंगे इन्हें, 4 से 5 एक बार में बनानी है। हल्के हल्के हाथों से इन्हें पलटेंगे। इसी तरह से दोस्तों हम सारी गुंजिया तल के तैयार कर लेंगे लाइट ब्राउन कलर की। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इनका गुंजियों का। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और वो उसमें डाल देंगे। इसी तरह से सारी गुंजिया कर लेंगे।
पलटी नहीं जा रही हूँ जी, धीरे धीरे से पलट रही हूँ। मीडियम गैस में सेकेंगे इन्हें हम। देखिए दोस्तों हमारी गुंजिया बनकर तैयार है, आप भी इसी तरह से बनाइए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और बताना कि किसने गुंजिया बनाई है होली पर अपने घर। ओके थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, हैप्पी होली। हेलो एवरीवन, देखिए यहाँ पर मैं नमक पारे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने मैदा लिया 1 किलो, उसमें लिया 250 ग्राम सूजी डाली है और अब इसमें डाली है मैंने 1 चम्मच काली मिर्च पिसी हुई। अब हम इसमें डालेंगे नमक 2 चम्मच, और 1 चम्मच इसमें अजवाइन पीस के डालेंगे हल्की सी। देखिए दोस्तों 1 से 1.25 चम्मच अजवाइन लिया है, दोनों हाथों से इसे मसल के तब डालेंगे इसे। देखिए दोस्तों अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे मोयन के लिए 200 ग्राम, 250 ग्राम या 200 ग्राम। अब इसे धीरे धीरे अच्छे से मिलाएंगे, फिर गुनगुने पानी से इसका डो लगा देंगे। देखिए दोस्तों रिफाइंड और सब मसाले इसमें हमने ऐड कर अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, नमक अजवाइन और काली मिर्च पाउडर। अब इसमें गुनगुना पानी लेंगे और उससे डो लगा लेंगे और फिर से बनाएंगे नमक पारे। हाथ हटा के दिखा बेटा, सही से हिला मत। देखिए हमारा आटा लग चुका है, मैदा लग चुकी है। अब हम इसे आधा घंटे के लिए ढक के रख देंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे इसे नमक पारे। देखिए दोस्तों हमारा मैदा सॉफ्ट हो चुका है, आधा घंटा हो गया ऐसे लगे लगे। अब हमने इसमें से छोटी गोली बना ली है निकाल के और उनसे ये छोटी मठियां बना रहे हैं। ऐसे सारी मठी तैयार कर लेंगे और फिर इनको डीप फ्राई करेंगे कढ़ाई में। ये हमने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल दिया है, गर्म होने के लिए रख दिया है। देखिए ऐसे मोटी सी लोई लेके इसको बेल लेंगे पहले, फिर इससे हम बनाएंगे नमक पारे। देखिए हमने ये पराठे की तरह बेल दिया है, अब हम इसके नमक पारे बनाएंगे तो चक्कू से इसे काटेंगे। अपने अनुसार जिस भी शेप के आपको काटने हैं उस हिसाब से काट लीजिए। इसमें इकट्ठे कर लेंगे सारे काट काट के, फिर इन्हें बाद में तलेंगे और हमारे नमक पारे हो जाएंगे तैयार। लाओ बड़ी मम्मी की वीडियो, पहले मिठी मिठी बनाओ।
बन गया। ये दोस्तों हमने सारे नमक मारे कट कर लिए हैं, अब इन्हें फ्राई करेंगे। देखिए थोड़े से हमने नमक मारे कढ़ाई में डाल दिए हैं, हमने धीमी गैस में सेकेंगे पलट पलट के। सारे नमक मारे ऐसे ही तैयार कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। इन्हें सेक लेते हैं लाइट ब्राउन कलर के। देखिए दोस्तों हमारे नमक पारे सीख चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, वंस अगेन हैप्पी होली।